नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं शेख जूही। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के। राजस्थान के बूंदी से एक दर्दनाक हादसा सामने आया। एक शादी के बीच सफारी टेंट में आग लगने से दुल्हन के दादा की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है यह हादसा सफारी टेंट में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट होने से हुआ। बता दें मृतक बुजुर्ग का नाम लाल मोहम्मद है। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने मेडिकल कॉलेज में बनाए जा रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए प्लांट की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन में 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों में 3 महिलाएं भी शामिल है। यह ऑपरेशन नारायणपुर और कांकेर जिले की सीमा पर चलाया गया था। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बुधवार सुबह दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी भरे ईमेल किए गए। ईमेल के आईपी एड्रेस से लगता है ये ईमेल देश के बाहर से किए गए। मामले की जांच जारी है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने कहा, जब मैं विकास के इस महायज्ञ को देखती हूँ तो मुझे लगता है क्यों ना मैं भी इसकी सहभागी बनूं। मुझे आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहिए ताकि मैं जो भी करूँ सही और अच्छा करूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का छेड़छाड़ किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अपलोड करने और शेयर करने के मामले में 12 अन्य लोगों को भी नोटिस भेजा गया है। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आज दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। बीजेपी को बेरोजगार के बारे में सोचना चाहिए। अगर भारत में 80% बेरोजगार है, किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है, इस बार बीजेपी का जाना तय है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। आज 1 मई है, आज दुनिया में लेबर डे मनाया जा रहा है। उन्हें सोचना चाहिए कि जिन नौजवानों को उन्होंने बेरोजगार रखा है और जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत में 83% लोग बेरोजगार हैं। अगर भारत में 83% बेरोजगार हैं और किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है, पेपर लीक किया है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी आईसीयू में जाएगी और मई शुरू हो गई भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय है, जाना तय है। झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग ने 12वीं क्लास का रिजल्ट अनाउंस किया। रिजल्ट जारी होते ही सब दंग रह गए क्योंकि वेजिटेबल वेंडर की बेटी ने टॉप रैंक हासिल की। दरअसल वेजिटेबल वेंडर की बेटी जीनत परवीन 12वीं आर्ट्स की स्टेट टॉपर बनी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, असम में माफियाओं का राज चल रहा है। जब आपके सीएम कांग्रेस पार्टी में थे तो उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे। बीजेपी में जाते ही उन पर लगे सभी आरोप धुल गए। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। असम में माफियाओं का राज चल रहा है। भू माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखे तो वसूली और माफिया चल रही है। यहाँ पे सरकार जितने स्कैम करती है, चाहे वो किसान का संपदा स्कैम हो या पीपीई किट पे स्कैम हो या फ्लाईओवर का स्कैम हो, चाहे गाय की तस्करी जो खुलेआम हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं आपके प्रदेश में, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। यहाँ के सीएम के खिलाफ बड़े बड़े आरोप थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब उनके खिलाफ एक बड़ा आरोप था। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए वो सारे आरोप गायब हो गए। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है जिसके अंदर जिसको डालो, पहले वो भ्रष्ट कहते हैं, जो भ्रष्ट होता है दूसरी पार्टियों से ला के अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर देते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने आपके ही सीएम के साथ किया और ये मिसाल बन गया पूरे देश के लिए कि एक तरफ ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और दूसरी तरफ जो भ्रष्ट है उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं और सारे आरोप सारे के सब थम जाते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड की अमेरिका में मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के फेयरमोंट और होल्ट एवेन्यू में मंगलवार यानी 30 अप्रैल को शाम 5:25 पर गोल्डी बराड को गोली मारी गई। आज खबर दिन भर में सिर्फ इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।